नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड विद रोनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत कर लेते हैं। आज से 23 जुलाई और टाइम हो रहा दिन के 1:30 बज रहा है, मार्केट लाइव है। तो अभी एक और शेयर है, ये सुबह से ही अब बहुत ही अब ट्रेंड की तरफ चल रहा है। ऐसा क्या हुआ शेयर के अंदर कि अभी भी सही समय बाय करने, मल्टीबैगर भी हो सकता है शेयर। हाँ दोस्तों, शेयर का नाम है, कंपनी का नाम है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग की कंपनी है। तो बेसिकली इनका काम क्या है समझ लेते हैं। मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है कंपनी की, तो फर्टिलाइजर, किसान, यूरिया, नीम, ये यानी फर्टिलाइजर जितने भी काम होता है इसमें काम करती है कंपनी, ठीक है। गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। तो कंपनी का तो ओवरव्यू समझ लिया, फर्टिलाइजर जितना भी होता है यानी जो भी खाद केमिकल जितना भी यूज़ होता है अपना एग्रीकल्चर में, उसमें ये पार्टिसिपेट करती है कंपनी, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कंपनी का कि हम कंपनी करती क्या है। अब कंपनी का ओवरव्यू समझते हैं। तो आज ये कंपनी अभी लाइव मार्केट ओपन है, तो कंपनी ओपन होती है 62.60 रुपये पे, हाई मारती है 66.25 रुपये का, 61.70 रुपये का लो है उसका, 52 हाई है 73.70 रुपये का, और 52 लो है 29.85 रुपये का, ठीक है। मार्केट कैप भी सही है इसका, NFL के नाम से रजिस्टर्ड है NSE के अंदर और नेशनल फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो ये कोई कंपनी का, मैं स्क्रीन के साइड पर आ गया हूँ। तो स्क्रीन के साइड पर देखिए मार्केट कैप इसका 3044 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू भी सही है कंपनी का, यानी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग भी चल रहा है, फेस वैल्यू भी सही है, ROC भी सही है, ठीक है। कंपनी का सब कुछ सही है। तो बेसिकली अब और समझते हैं कंपनी के अंदर और भी क्या अच्छी चीज़ें। कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है, तो मैंने हर वीडियो में बताता हूँ आपको, जो कंपनी कर्जा कम कर रही है, कंपनी जो अपना कर्जे को ख़त्म कर रही है, वो कंपनी सबसे, क्योंकि देखिए वो ग्रो कर रही है, उनका बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा था इसलिए वो अपना कर्जा भी कम कर रही है, इसलिए उनकी ग्रोथ हो रही है। तो हमेशा हमें ग्रोथ के साथ ही चलना चाहिए। तो ये देखिए कर्जा कम कर रही है, ठीक है, और इनका कर्जा देने का टाइम भी 162 से 80 पे आ गया है, यानी 50% इन्होंने कम कर लिया अपना कर्जा देने का टाइम, जो सर्कल होता है वो भी आ गया है, ठीक है। कंपनी थोड़ा बहुत कर्जे में तो हर कोई कंपनी होती है, मगर जब से एग्रीकल्चर यानी कि कोविड के बाद से जो घरेलू एग्रीकल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, उसमें फर्टिलाइज़र की डिमांड बढ़ेगी, यूरिया की डिमांड बढ़ेगी, इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है कि घरेलू उत्पाद में बढ़ा, घरेलू किसानी बढ़ेगी तो इन सब की ज़रूरत भी बढ़ेगी, तो इनका प्रॉफिट और कंपनी का अर्निंग भी बढ़ेंगी। तो देखिए मार्च क्वार्टर में इसने क्वार्टर वाइज लॉस कर रहा पिछले क्वार्टर से, मगर इस क्वार्टर मेरे को लगता है कि इसमें अच्छे रिजल्ट आएंगे, इसके अच्छे रिजल्ट आने के पूरे डेफिनेटली, ये तो क्वार्टर वाइज हो गया, ठीक है। ईयर वाइज भी इसका अच्छा मूव है, ये देखिए समझते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये ओवरव्यू ओपन कर रखा है, फर्टिलाइजर एंड एग्रोकेमिकल में काम करती कंपनी, ठीक है। तो ईयर वाइज देखिए पिछले ईयर से 2020 से इसने 0.24 का प्रॉफिट दिया था, ईयर वाइज प्रॉफिट दिया कंपनी ने। तो ये NFL अपना प्रॉफिट पर आ गई है, ठीक है, यानी कि बस इन्हें 2020 में कोविड के चलते लॉस हुआ था, बाकी अब प्रॉफिट मेकिंग फिर से आ गई है कंपनी। तो मेरे को लगता है ये अब जो इसका क्वार्टर रिजल्ट आएगा जून का, इसमें अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके, और डेफिनेटली इसमें अब ट्रेंड बाकी है। अब इसे चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे क्या आ रहा है। ये इसका मैंने डेली चार्ट ओपन कर रखा है, लाइव ओपन है मार्केट अभी। ये देखिए डेली चार्ट पे, यहाँ देखिए ये इन्वर्टेड, ये हैंगिंग कैंडल जो होती है ना, ये हैंगिंग कैंडल का मतलब इसमें गिरावट जितनी होती है वो ख़त्म हो चुकी है, अभी अब ट्रेंड की तरफ स्टार्ट हो चुका है। हैंगिंग कैंडल बनने का ये होता है, और ये बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी है बुलिश वॉल्यूम के साथ। ये देखिए RSI MACD पे, RSI इसका अब ट्रेंड हो गया, MACD पे ब्रेकआउट आ रहा है, तो डेफिनेटली इसमें बाय करिए। दो इसमें मेरे दो टारगेट है, पहला टारगेट है 75, दूसरा टारगेट है 80 रुपये, पहला टारगेट 75 रुपये, दूसरा टारगेट 80 रुपये, तीसरा टारगेट 90 रुपये, तीन टारगेट में बाय करिए, बिजनेस बने रहिए कि एक महीने के अंदर ये अचीव होंगे। हाँ दोस्तों, 10 से 15 दिन या एक महीने के अंदर अचीव होंगे, पहले 75 रुपये, 80 रुपये और 90 रुपये, तीन टारगेट लिया बाय करिए, डेफिनेटली इसमें बने रहिए। अब मैं समझाता हूँ और क्यों इसमें अब ट्रेंड है, क्यों आ रही है। देखिए वीकली चार्ट है इसका, तो वीकली चार्ट में देखिए इसमें कप विद हैंडल वाला जो पैटर्न आजकल सुन रहे हो ना, वो वाला पैटर्न इसमें बन रहा है। देखिए ये देखिए ये पूरा कप विथ हैंडल वाला, ये पोजीशन को कप विथ हैंडल बोलते हैं, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे RSI सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, इस यानी कि ये अपने ये यहाँ से करेक्शन होके अब करेक्शन की तरफ अप मूव की तरफ चल चुका है। तो डेफिनेटली इसमें बाय करके पेशेंस बनाइए। इसमें स्टॉप लॉस हमारे को जो रखना है, इसमें स्टॉप लॉस रखना है आपको 58 रुपीज़ का, 58 के स्टॉप लॉस का बाय करिए। इसमें और गिरावट हो तो डेफिनेटली बाय करके पेशेंस बनेंगे हम। तो पहला टारगेट 75 रुपये, दूसरा 80-90 रुपये तक के लिए टारगेट आप होल्ड करेंगे। ये देखिए ये कहाँ पे सपोर्ट लेता है, मैं और दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इस कैंडल पे सपोर्ट ले रहा है, तो इस कैंडल में हमें सपोर्ट करके बेसिस बने रहना। आई होप ये वीडियो आपके यूजफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना बोले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।